नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। जहां हम खड़े हुए हैं, ये जो रोड है इसके इस तरफ बिल्कुल साथ में, इस तरफ से ये जो खंबे लगे हुए हैं, यहां से 200 फुट रोड नई जो लांटरा रोड को एयरपोर्ट रोड के साथ जोड़ती है, वो यहां से जा रही है, जिसकी पेमेंट किसानों को मिल चुकी है। और अब आगे इसकी सबसे पहले मिट्टी का टेंडर हो रखा है और उसके बाद फिर इसकी रोड की आगे जो उसारी का काम चल पड़ेगा। अब इसके बिल्कुल इस तरफ ये अंसल सेक्टर 116 है, जिसके अंदर ये सड़कें पहले कुछ बन गई थी, अब इसके पीछे वाली कुछ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो खंबे हैं या अंडरग्राउंड वायरिंग है, ये सब हो रखी है। बिजली पानी यहाँ चालू है, ये कोठी यहाँ पे बनी हुई है। इसी कोठी के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग जो 160 गज का प्लॉट है वो फॉर सेल अवेलेबल है। और बिल्कुल 200 फीट के इस तरफ बड़ी टाउनशिप है 116 सेक्टर, और यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी थी सेक्टर 114 और 116 अंसल के अंदर, वो बंद करी थी क्योंकि पोल्यूशन बोर्ड ने डिमांड करी थी कि जी आप अपना एसटीपी वर्किंग करके दिखाओ, आप अपने पेड़ पूरे लगा के दो और आप रेन हार्वेस्टिंग करके दो। तो इनका एसटीपी भी चल रहा है, इनके पेड़ भी ज़्यादा लगे हुए हैं और इनकी रेन हार्वेस्टिंग भी है। अब क्योंकि बिल्डर है नहीं और मैनेजमेंट कंपनी है जो इस सबको मैनेज करती है, तो पोल्यूशन बोर्ड के साथ कुछ कहा सुनी हुई और उस वजह से वो काम पेंडिंग चल रहा है, और उसी वजह से ये जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो बंद हो रखी हैं। लेकिन जिनके ऑलरेडी रजिस्ट्रियाँ हो रखी हैं उनको कोई समस्या नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रियाँ करा रखी हैं उनको कोई समस्या नहीं है, वो आगे रजिस्ट्रियाँ करा सकते हैं। लेकिन अंसल से जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो बंद हो रखी हैं, तो उसके लिए ये सिर्फ जो ऑप्शन अभी चल रही है कि आप ट्रांसफ़र करा लो अपने नाम पे जो अलॉटमेंट लेटर है, और जब रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी तब रजिस्ट्री करा लेना। तो एक तो ये ऑप्शन चल रही है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि कुछ बैंक ने पहले शुरू करा था कि आप स्टैंप पेपर बाय कर लो जी, बाद में आप रजिस्ट्री करा लेना, आप कुछ लोन ले लो, तो वो वाला सिस्टम अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ आपको या तो जो पहले से रजिस्ट्री करा चुका है 2022 अप्रैल 2022 से पहले जिसके नाम पर रजिस्ट्री हो चुकी है वो आगे रजिस्ट्री करा सकता है, या जिसने भी एग्रीमेंट टू सेल 2022 अप्रैल से पहले का किया था उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो वो वाले केसेस अब अलाउड हैं, लेकिन जो प्लॉट हम आपको आज इस कोठी के बैक साइड वाला दिखा रहे हैं उसकी ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लोन भी मिल जाएगा और आपके नाम पर रजिस्ट्री भी हो जाएगी और आप ऐसा घर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जगह फिलहाल खाली है जिसका उपयोग आप जिस तरीके से भाई साहब ने किया है सब्जियाँ लगाकर आप कर सकते हैं। यहाँ नींबू लगा रखे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो यहाँ ग्रीनरी बहुत है। पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो किसी एक बड़े ब्रांड के एग्जिट होने की बाद एक नेगेटिविटी वाले फेज़ के अंदर चली जाती हैं, तो वो दौर से ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से गुजर रहा है। लेकिन अब क्योंकि इसके साथ में 200 फुट रोड आ गई है, पीछे सिग्नेचर लेक सिटी प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो रहा है, साथ में सिटी गार्डन जुबली का प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो रहा है, तो ये सारा कुछ जो अब डेवलप हो रहा है उससे यहाँ पर भी हलचल तेज़ हो गई है। और जो हलचल तेज़ हुई है उसकी वजह से अब यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू कर दिया है, लोगों ने कि कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है वो बाय कर रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर अब इसको खरीद रहे हैं ताकि पहले खरीद लें, क्योंकि इस रोड के उस तरफ जो रेट है 51,000 का हो गया है और यहाँ पे 36,000 रुपये की डिमांड है, तो बहुत जेन्युइन प्राइस है। बिल्कुल सामने अगर 51 का प्राइस है और यहाँ पे 36, पीछे भी 46,000 का प्राइस है, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं ऐसे प्लॉट्स कि जहाँ उनको कुछ 5-10 लाख का प्रॉफिट आ जाए अगर आज वो चीज़ लेके रख रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ है घर बनाने के लिए फ्यूचर में। मोहाली का प्रोजेक्ट है, मोहाली की रजिस्ट्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे RW एसोसिएशन बनी हुई है, एक मैनेजमेंट कंपनी भी इसको कर रही है काम, और कुछ और ज़्यादा डिटेल जाननी होगी तो इसी के बिल्कुल सामने ही 114 सेक्टर की जो अंसल की मार्केट है जहाँ हम शुरू हुए थे अभी, वहाँ हमारा ऑफिस, आप आके वहाँ पे भी हमसे बात कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि अभी चंद्रयान हमारा एक सफल हुआ था और एक शायर ने, पंजाबी के शायर ने लिखा कि चंद दी धरती उत्ते जाके जो कर दे सो कर दे, चंद दी धरती उत्ते जाके जो कर दे सो कर दे,
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਹਵਾਵਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਆਪ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਬੜ ਜਾਣ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਮਤ ਜਾਣਾ ਕਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋਗੇ ਤੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਲਾ ਆਪਕੇ ਗਲੇ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਗਲੇ ਮੇਂ ਐਸੀ ਬਲਾਏਂ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਹਵਾਵਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਬੜ ਜਾਣ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਆਜ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਧੰਨਵਾਦ।